नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, एक दुखद खबर से। जम्मू कश्मीर के डोडा में 5 जवान शहीद हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे, ये सुबह ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत 5 जवानों ने अपनी शहादत प्राप्त की है, अपनी जान गंवाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुठभेड़ का संज्ञान ले लिया है और फिलहाल इस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी कहीं ना कहीं सामने आ चुके हैं कि बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके, इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए, क्योंकि बहुत सारे आतंकी वहां पर छुपे होने की खबर है। मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुठभेड़ का ये संज्ञान ले लिया है। सेना प्रमुख से अपनी पूरी जानकारी इस मामले से संबंधित हासिल कर रही है कि आखिर वहां पर क्या सिचुएशन है, डोडा के अंदर क्या स्थिति है। आपको बताना चाहेंगे, पिछले 34 दिनों में ये लगभग 5वां बड़ा हमला डोडा के अंदर हुआ है। आज डोडा में 5 जवान शहीद हुए हैं, इसमें एक बड़ा अधिकारी भी शामिल है। हालांकि अभी फिलहाल वहां पर पूरे इलाके को घेर रखा है, सेना वहां पर पहुंची है, अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, डोडा पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वहां पर जहाज के जरिए जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन्स के जरिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा डिवीजन में 34 दिन में ये 5वां बड़ा एनकाउंटर हुआ है। 11 जून रात 1 से 2 बजे 5 जवान घायल हुए थे, जो 11 जून को हमला हुआ था। 12 जून को दूसरे दिन रात 8:20 पर 1 जवान घायल हुआ। दूसरे दिन ये लगातार जो है वो 1 से 2 दिन में हमले हुए थे। फिर उसके बाद 14 जून को, यानी 2 दिन के अंतराल के बाद, कुपवाड़ा में 3 आतंकी मारे गए। वहां पर 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। 26 जून सुबह 9:50 पर 3 आतंकी फिर से ढेर किए गए थे और 8 जुलाई को कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। और इसी तरह से अब 15 जुलाई रात 9 बजे मुठभेड़ में 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। ये पूरा मामला अब फिलहाल डोडा से सामने निकल कर आया है, डोडा के इलाके में ये मामला हुआ है। मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ने क्या कुछ कहा है। डोडा जिले में हमारी सेना के जवानों और जेकेपी कर्मियों पर हुए कायरतापूर्ण हमले के बारे में जानकारी मुझे गहरा दुख हुआ है। हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि है। शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को विफल कर देंगे। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी बातें सामने रखी है एक पोस्ट के जरिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में डोडा जिले के डेसा क्षेत्र में सशस्त्र मुठभेड़ की खबरों से बहुत परेशान हूं। हमारे बहादुरों की शहादत पर शोक व्यक्त करने और निंदा करने के लिए शब्द कम है। हम सभी मिलकर दुश्मन के नापाक मंसूबों को हराएं और शांति और सद्भाव बनाए रखें, जिसके लिए डोडा हमेशा से जाना जाता है। ये तमाम जो बड़े नेता हैं, पहले आपने देखा यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक पोस्ट के जरिए अपनी बातें सामने रखी, उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और इस क्षेत्र के लोकसभा सांसद भी हैं, उन्होंने भी एक्सपोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं यहां पर जाहिर की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक जवान अपना बलिदान जो है वो देते आएंगे, कब तक जवानों की शहादत हम देते आएंगे, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से जम्मू संभाग के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में ये हमले हो रहे हैं। पहले राजौरी में देखा हमने, कठुआ में देखा, उधमपुर में, डोडा में लगातार ये 5 हमले हुए पिछले 30 से 35 दिनों में। और अब कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक, कब इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मार गिराया जाएगा, कब इन आतंकवादियों को ढूंढ कर इन्हें, उन्हें उस असली जगह तक पहुंचाया जाएगा जहां, जिस जगह के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं। लेकिन बहुत जल्द ये सफलता भी सेना को मिलने वाली है। हालांकि अभी जो डोडा की स्थिति है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। फिलहाल पहले कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए हैं, पहले 4 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद एक और जवान शहीद होने की खबर सामने आई। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश जारी है, चप्पे चप्पे पर वहां पर निगरानी बनाई हुई है, उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है सेना और वहां पर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। जम्मू डोडा हाईवे पर भी सुरक्षा बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ से अमरनाथ यात्रा चल रही है, वैष्णो देवी के लिए लोग पहुंच रहे हैं, यात्राओं का दौर भी जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है। फिलहाल विकास मनास इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। विकास, क्या स्थिति है अभी के वक्त और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जी शीतल, जिस तरह से काफी दुखद समाचार है डोडा से, क्योंकि 5 जवानों की शहादत
जोड़ा कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा हमला जो है आतंकियों द्वारा किया गया है, तो ये पांचवा हमला डोडा में जो है पिछले एक महीने के अंदर देखने को मिला है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्स जो है लगातार इस जंगल की ओर जा रही है, जो देसा टाप है, यानी जहां पर बटबक्की जगह बताई जा रही है जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है, और इसी ओर जो है हेलीकॉप्टर की सर्विस लगातार जारी है। और साथ में जी विकास, बताइएगा कितने वहां पर आतंकी छुपे होने की आशंकाएं हैं, क्योंकि पहले भी वहां पर चार आतंकियों के स्केच जारी किए थे, उसके बाद तीन आतंकवादियों को मार भी गिराया था। क्या ये आंकड़ा और बड़ा है? क्या फिर से पीर पंजाल की रेंज से होकर चिनाब वैली की तरफ आतंकियों ने रुख किया है? क्योंकि एक नेटवर्क देखने को मिल रहा है, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, सांबा का इलाका हो, या फिर डोडा का इलाका हो। देखिए, पहला जब एक हफ्ता पहला इनकाउंटर जो है बिल्कुल गादी गाड़ान में हुआ था, तो उसमें बताया जा रहा था कि तीन आतंकी शामिल है, लेकिन जो आज का इनकाउंटर हुआ है इसमें लगभग छः लोगों की बात की जा रही है, जो सोर्स के हवाले से पहुंच रहा है कि लगभग तीन से छः लोग जो है मिलिटेंटू का ग्रुप था, और ये जो है वहाँ पर बैठा हुआ था, और जैसे ही सैनिक जो है वहाँ पर गश्त कर रहे थे और इन्होंने जो है गोलाबारी वहाँ पर शुरू कर दी। बिल्कुल, देखिए विकास, जिस इलाके में आतंकी छुपे थे, जाहिर सी बात है वहाँ पर जब आतंकवाद की तरफ से फायरिंग हुई तो इस इलाके को घेरा होगा। अभी क्या कुछ स्थिति है और कब तक हो सकता है वहाँ पर सेना के हाथ सफलता लगे? क्योंकि अब चिन्हित इलाका है जहाँ पर हमला हुआ है, जहाँ पर मुठभेड़ हुई है, तो क्या बहुत जल्द ये सफलता हाथ लगेगी सेना को और जम्मू कश्मीर पुलिस को? देखिए, बड़ी गंभीरता से अब लिया गया है, क्योंकि देखिए आप हाई लेवल पर जिस तरह से यहाँ पर पैरा कमांडो को भी शायद बुलाया गया है, और ये तमाम ग्रुप जो है इस ओर रवाना हो रहे हैं, और लगातार चाहे फिर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसी जगह से कुछ समय पहले यहाँ से काफी सारे सिक्योरिटी फोर्स जो है इस जंगल की ओर रवाना हुई है, और लगातार हेलीकॉप्टर जो है लगभग 10 से 12 हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच चुके हैं अभी तक तो इस जंगल वाले एरिया में, और लगातार सिक्योरिटी फोर्स ने इस चारों ओर जो है इस इलाके को घेर लिया है। जरा दिखाइएगा अपने पीछे का जो इलाका है जहां पर ये हमला हुआ है, हमारे दर्शकों को भी जरा दिखाइएगा ये पूरा इलाका कहां पर है और अभी क्या सिचुएशंस हैं वहां पर। ये बिल्कुल वही इलाका है, बिल्कुल लाल ब्रह्मा देसा वाला एरिया, ये बिल्कुल सामने जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स जो है यहाँ पर लगी है, यहाँ से आगे किसी भी मीडिया कर्मी को जो है आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बिल्कुल वही पहाड़ी है और जंगल घना जंगल है, ये तस्वीरें बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप, जहाँ पर हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर आ रहा है और चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है कि किसी तरह का भी आप कोई लेप नहीं देखना है और उन आतंकियों को ढूंढ कर मार गिराना है। जी विकास, बिल्कुल आप पूरी नज़र बनाए रखेगा और अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखेगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर विकास हमारे साथ बने हुए हैं। क्या हेलीकॉप्टर, ड्रोन, जो तमाम उपकरण होते हैं जिनकी मदद से वहां पर सर्च किया जाता है, वो अभी भी लगातार जारी हैं? जी हाँ, ड्रोन से भी देखा जा रहा है और बड़े पैमाने पर, क्योंकि इस एरिया को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी देख लीजिए, आवाज बिल्कुल हेलीकॉप्टर की आपको आ रही होगी, क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर लगभग 3 से 4 कंटिन्यू यहां पर आ रहे हैं और यहां पर और ज्यादा फोर्स को भेजा जा रहा है और इस इलाके की घेराबंदी ऊपरी वाले हिस्से में की जा रही है। और ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि विकास इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और जहां पर विकास खड़े हैं उसी इलाके में अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पर आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमने एक बार फिर से 5 वीर बहादुर जवानों को खोया है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ विनोद कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथ फिर से एक बार ज्वाइन हो चुके हैं आतंकवाद पर बातचीत के लिए। विनोद जी, बड़े दुख भरे शब्दों में आज फिर से कहना पड़ रहा है कि हमने 5 वीरों को खोया है, उसमें एक अधिकारी भी शामिल थे। इससे भी चिंता का विषय यह है कि इस वक्त घाटी शांत है, घाटी में अगर इन्फिल्ट्रेटर आ रहे हैं तो उनको वहां पर न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और यहां पर फील्ड में आकर के आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये सब के सब डिस्ट्रिक्ट जो 10 डिस्ट्रिक्ट थे ने सबको आतंकवाद मुक्त करार दे दिया हुआ था। एक ऐसा वक्त था कि जब सब ये टाल क्लेम करते थे कि जम्मू प्रोविंस में आतंकवाद खत्म हो चुका है, अब उतना ही आतंकवाद तेजी से फैलता है तो फिर हमें अपने प्रोज एंड कॉन्स में देखना पड़ता है कि आखिर किस जगह पर आतंकवादियों ने अपना नेटवर्क कैसे मजबूत कर लिया। बिना लोकल सपोर्ट के आतंकी इतनी देर जीवित नहीं रह सकते, ये स्वाभाविक सी बात है। तो कहां हमसे गलतियां हुई हैं इसको चिन्हित करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी है इस पर काम भी कर रही है, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास
फिगर्स आ रही हैं जो हमारे पास सीधा स्पष्ट दिख रहा है, वो ये है कि सांप निकल गया है, हम लकीर पीट रहे हैं। अभी भी वो फिगर बताई जा रही है कि 3 आतंकी जंगलों में मौजूद है, जिसको लेकर के हेलीकॉप्टर ड्रोन सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमने एक अधिकारी समेत 5 लोगों को खोया है। बहुत बेशकीमती ये जाने हैं, हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से उनके परिवार वालों को सांत्वना भी देते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या संवेदना व्यक्त करना या फिर ये सब करना, उससे ये चीजें ठीक होंगी लगता नहीं। बिल्कुल, इन सब चीज़ों से ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लेकिन सरकार को भी एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। क्यों सरकार डिफेंसिव मोड में नज़र आ रही है, क्यों थोड़ा ऑफेंसिव मोड में सरकार अपना बटन जो है वो दबाने के लिए तैयार नहीं है? कि आखिर तुरंत रूप से वहाँ पर जवाब दिया जाए, आतंकवादियों को मार गिराया जाए। जी देखिए, आतंकी जिन जंगलों में घुसे हुए हैं उन जंगलों में ऐसा ऑपरेशन कर पाना बड़ा कठिन है। आपने पहले भी देखा होगा पुंछ और राजौरी जो ट्विंस डिस्ट्रिक्ट हैं, जो एलओसी से मिलते हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे केव्स हैं, गुफाएं बनी हुई, नेचुरल केव्स बनी हुई है, वहाँ पे आतंकी उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पुंछ के जो हमले थे या फिर राजौरी के हमले थे, उसमें आतंकी नहीं पकड़ पाए। अभी आप अगर मछेडी की बात करें जो कठुआ में हुआ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, वहाँ से भी आतंकी फरार हैं। और अगर डोडा की बात करें, अभी तक वो भी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए हैं। और पहले आपने देखा था वैली में जैसे ही कोई ऑपरेशन होता था आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता था, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऑपरेशन के 4 दिन बाद तक जीवित रहा हो। लेकिन इसमें आतंकवादियों ने स्ट्रेटेजी बदली है, ये सोचने का विषय है कि सरकार विनोद जी हमेशा कहती आ रही है पिछले कुछ सालों से इक्का दुक्का आतंकी बचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी यही कहता रहा है कि बस इक्का दुक्का बचा है, अब जड़ से इनको खत्म कर देंगे। लेकिन जो स्ट्रेटजी आतंकवाद ने अपनाई है, 3 आतंकवादियों को डोडा में मार गिराया, 4 के स्केच जारी किए थे, लेकिन अभी भी वहां पर बहुत ज्यादा आतंकी छुपे होने की आशंकाएं हैं। तो क्या यहां पर जो इक्का दुक्का है वो हम समझें कि अब और ज्यादा ये आंकड़ा जो है बढ़ गया है? ये देखिए, इक्का दुक्का वाले क्लेम जो है बिल्कुल बेबुनियादी क्लेम है। ये इक्का दुक्का होते तो शायद इतनी बड़ी वारदातें नहीं होती, और हमें ये मान लेना चाहिए कि इन्फिल्ट्रेशन अच्छी खासी हुई है। और अगर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती तो क्यों डीसीज को ये कहना पड़ता कि 5 या 6 जिलों में रात के टाइम पे बसेस नहीं चलेंगी? अब मुझे बताइए ना, इनको पता है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है और इनकी नींद उड़ी हुई है। और हमें ताबुन करना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, राजनीति ना करते हुए, यानी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे अपने लोगों की जान बचाई जा सकती है। वो सीधा और सीधा टारगेट, अभी तो सीधा टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस को बना रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है किसी बस या फिर पब्लिक प्लेस पर भी आकर के बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति करने से बताएं बेहतर है कि आवाम को अपने साथ जोड़ा जाए और छोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एजेंसी के साथ शेयर की जाए, फिर एक एजेंसी वो इंफॉर्मेशन अपने लिए ना रखे ताकि हम उस पर बड़े क्रेडिट ले सकें, वो इंफॉर्मेशन सभी एजेंसी के साथ तुरंत शेयर की जाए ताकि इन वारदातों को रोका जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि अभी एक नई रणनीति आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार की है। कश्मीर में ज़रूर आतंकवादियों को मार गिराया जा रहा है, वहाँ पर अभी फिलहाल वो उस तरह की घुसपैठ नहीं हो रही है, लेकिन जम्मू संभाग की तरफ आतंकवाद का रुख और भी ज़्यादा बढ़ गया है पिछले के मुकाबले, और अब यहाँ पर चुनौतियाँ भी प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, सेना के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और सहयोगी राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस से जुड़े हैं, और डिफेंस से ही जुड़े मैं भी इनसे सवाल पूछना चाहूँगा टेक्निकली कि आखिर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन बनी है, खास तौर पर जम्मू के अंदर, आप डिफेंस से भी जुड़े रहे हैं, आपने ये चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं, क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी है ये, हम क्यों आखिर विफल हो रहे हैं उनको गिराने में, उनको मार गिराने में? देखिए, 2-3 चीज़ें शीतल जो हमें समझनी होगी। पहली चीज़ ये कि आतंकियों की जो संख्या है वो 3-4 नहीं है, आतंकी एक बड़े ग्रुप के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सिर्फ आतंकी नहीं है। पॉसिबिलिटी जो अब नज़र आ रही है, जिस प्रकार से रियासी, पुंछ, राजौरी से लेकर यहाँ तक अटैक हुए हैं, उसमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही सीधे तौर पर नज़र आ रही है कि ये पाक सेना के कमांडो हो सकते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान कमांड आर्मी के कमांडो हो सकते हैं, बेशक वो सर्विंग है या रिटायर है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वो है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर वो जंगल में सरवाइव कर रहे हैं लगातार 1 महीने तक, मतलब वेल ट्रेंड कमांडो जब यूज कर लिया तो यानी कि वेल ट्रेंड है वो, जो जंगल में सरवाइव कर रहा है 1-1 महीने तक। शीतल, ऐसे कोई आम आदमी सरवाइव नहीं कर सकता है, वो
आपके गांव से गांव नहीं जा रहे हैं, वो जंगल में रह रहे हैं। और दो तीन चीजें और हैं जो जिस पे बात करना बहुत जरूरी है कि तकनीक में क्या वो इंडियन आर्मी से ज्यादा इस वक्त हैं, उनके पास चाहे वो हथियार हैं चाहे उनके पास गैजेट हैं, क्या वो हमसे का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टील बुलेट उसके अंदर लगी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। स्टील बुलेट यानी कि आपके बुलेट प्रूफ को वो भेज सकती है। लेकिन तब भी क्या लोकल सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल है, ये चीजें मुमकिन है? के बिल्कुल पॉसिबल है नहीं, हमने देखा भी, हमने किस प्रकार से जो लोकल जिन्होंने 7,000 रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिया, हमने उनको भी गिरफ्तार होते हुए देखा। लेकिन उनको छोड़िए, जो पॉइंट मैं कह रहा हूं, टेक्निकल पॉइंट आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं टेक्निकल पॉइंट आपको बता रहा हूं कि उनके पास M4 राइफल है, उनके पास स्टील बुलेट है जो आपके बुलेट को छेद बुलेट प्रूफ को फाड़कर आगे जा सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कल रात 9 बजे ऑपरेशन होता है, कौन इसका जवाब देगा? 9 बजे ऑपरेशन हो रहा है और वो पिन पॉइंट टारगेट कर रहे हैं, क्या उनके पास रात को देखने वाले नाइट बेनाकुलर आ चुके हैं? नाइट साइट उनकी राइफल पे लगी हुई है, क्योंकि बिना इसके पॉसिबल नहीं है कि आप 5 जवानों को पिन पॉइंट टारगेट कर दें। तो इनके पास, इसका मतलब कि उनके पास हाईली एक्यूरेट वेपन्स हैं, इसको समझना होगा। अब बात रही आपकी कि क्या बिना लोकल सपोर्ट ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बिना लोकल सपोर्ट ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ना कोई तो घर का भेदिया है, कोई ना कोई तो स्लीपर सेल OGW है जो लगातार इनकी मदद कर रहा है। और लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि तो फिर जो ग्राउंड जीरो पे हमारी पुलिस की नेटवर्किंग है वो कहाँ पर है? तो मतलब ये एक सोची समझी चाल है पाकिस्तान की तरफ से या विदेश किसी भी देश की तरफ से जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। एक दौर था जब फिदाइन हुआ करते थे, फिदाइनों की चर्चा होती थी कि पुलिस की वर्दी में आर्मी की वर्दी में फिदाइन आए और उन्होंने आर्मी की पोस्ट पे अटैक कर दिया। फिर पाकिस्तान ने अपनी रणनीति को बदला, उन्होंने आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी रणनीति को बदला है और वो गुरिला वॉरफेयर पर इस वक्त उतराए। अब आप देखिए, पब्लिक प्लेस में कोई अटैक नहीं हो रहा है, ठीक है, आर्मी की जो पोस्ट है उस पर अटैक नहीं हो रहा है, वो जंगल से आ रहे हैं, जंगल से आ रहे हैं और सीधा आपकी जो कानवाई इंतजार कर रहे हैं, रैकी कर रहे हैं, और जब सिंगल गाड़ियों ने या दो गाड़ियों ने मिल रही हैं उस वक्त वो अटैक कर रहे हैं। तो ये 3 से 4 बदलाव आए हैं। लेकिन फिर हटकर सवाल यही आ जाता है कि क्या इतना आसान है पुंछ रजौरी से निकलकर, पीर पंजाल से निकलकर आपका कठुआ पहुंचना, कठुआ से आपका डोडा पहुंच जाना? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों को जो बिल्कुल देखिए राजेश, मैं इसी पे आ रहा था, पाकिस्तान से चाहे वो पाकिस्तान का सैनिक हो, पाकिस्तान का कमांडो हो, वो अगर भारत में इस तरह से घुसपैठ करता है तो उसको हम आतंकवाद ही मानेंगे, उसको हम टेररिस्ट ही मानेंगे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि जो भी इन्फिल्ट्रेट करता है, जो भी घुसपैठ करता है, तो सुरक्षा एजेंसियों तक की खबर पहुंचती है, तो क्या वहां पर थोड़ी सी विफलता है? पुलिस का नेटवर्क है जो मैं शीतल समझना चाह रहा हूँ, पुलिस के पास होता है, हर गांव में एक खुफिया खबर देने वाला होता है, वो कहाँ पर है? क्या उनको नहीं पता है? और अगर ये एक बड़ी नाकामी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, इसको मानना होगा कि आपका वो लोकल नेटवर्क क्या लगातार फेल हो रहा है, क्या आप जमीन से कट चुके हैं, ये समझना होगा। क्योंकि जब तक कोई इंसान है जो 10 किलो की जगह 20 किलो राशन ले रहा है, रात शाम होते होते वो गायब हो जाता है, गांव में दिखाई नहीं पड़ता, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो जा रहा है, उसकी सूचना पुलिस को मिलनी चाहिए, उसका पीछा होना चाहिए। आप जब उसके पीछा करेंगे, उसको पकड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आप आतंकियों तो क्या करना चाहिए इस नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए? क्योंकि जैसे पहले विनोद कुमार जी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि हमारा एक संपर्क टूट चुका है, हम इस भ्रम में हैं कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है, तो जम्मू में भी इक्का दुक्का ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, वही होंगे, उनको भी मार गिराया जाएगा। लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से या सरकार की तरफ से? देखिए, घाटी में जो आतंकवाद है उसके ऊपर तो प्रहार होना चाहिए और वो होगा। ये आतंकी ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, इतनी उम्मीद हम कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल 48 घंटों के अंदर अंदर सुरक्षा बल इन्हें मारकर इनके हूरों के पास इन्हें पहुंचा देंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हम आतंक की जो फैक्ट्री है उसके बारे में सोच रहे हैं कुछ, जहाँ से लगातार आतंक पैदा किया जा रहा है और उसे एक प्रोडक्ट के तौर पर LOC के इस पार भेजा जा रहा है, क्या हम उस पार सोचेंगे? इसका फैसला शायद मुझे लगता है कि भारत सरकार को लेना होगा। तो कैसे किया जा सकता है? पहले एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के यहाँ से जो अंजाम दिया था, एक बड़ा हमला था पाकिस्तान के ऊपर, एक जवाब था एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, कहीं ना कहीं वो एक दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, क्या उस तरह का एक और कदम उठाया जाना चाहिए यहाँ पर, सीधा जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो आतंकवाद जंगलों में छुपे हैं वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है? बिल्कुल, और मोदी सरकार ने करके दिखाया है, आपने उड़ी में अटैक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने फिर
ये पुलवामा में अटैक किया हमने, फिर आपके ऊपर एयर स्ट्राइक की, अब एक और स्ट्राइक को निश्चित तौर पे कुछ अलग तरीके से हो सकती है। इस चीज में मोदी सरकार चुप नहीं बैठने वाली है, बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं, वो बहुत लेवल पे सोच रहे होंगे किस प्रकार से इस आतंकी काट करनी है, तो सरकार कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। एक और छोटा सा टेक्निकल पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आतंकवाद जंगलों के अंदर छुपा हुआ है और वहां पर पहुंचने में हम नाकाम हो रहे हैं, वो वहां से गायब हो रहे हैं, वजह क्या है कि क्यों हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं? हमें इतना जोर या फिर इतना इंतजार नहीं करना पड़ता था। कि जो आर्मी वाले हैं वो डोडा के तो नहीं है, वो बिल्कुल, वो कोई महाराष्ट्र से आया, कोई हिमाचल से आया, कुछ कहीं और से आया है, उन्हें उन लोकल रूट्स का क्या पता है? नहीं, नहीं पता है। लेकिन जो आतंकी हैं उनके साथ स्लीपर सेल मौजूद है, उन्हें तो लोकल रूट का पता है, वो अटैक करके गायब हो जा रहे हैं, तो क्या ये पॉइंट है ना? तो हमें तो वो लोकल नेटवर्किंग को तोड़ना होगा, इसलिए हम असफल हो रहे हैं। जब तक वो लोकल नेटवर्किंग, जो स्लीपर सेल हमारे हाथ नहीं लगेंगे, उन तक हम नहीं पहुंचेंगे। पुलिस का रोल और भी ज्यादा बढ़ गया, इसका ही सबसे अहम रोल है, जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टिंग है, गांव के अंदर क्या हो रहा है, कौन है जो शाम होते गायब हो जाता है, कौन है जो दिन भर गायब रहता है रात को मिल जाता है, कौन है जो रात को गायब हो जाता है, कौन है जो दुकान से पिछले एक महीने पहले सिर्फ 10 किलो राशन लेता था लेकिन आज वो 30-40 किलो राशन ले रहा है, ड्राई फ्रूट ले रहा है, ये तो पुलिस को पता होगा, पुलिस को ही पता करना होगा जो वहां तक राशन पहुंचा रहा है। कोई चाहे वो कमांडो है चाहे नॉर्मल आतंकी है, भूखा तो नहीं रहता है, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, जंगल में अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो कोई तो पहुंचा रहा है ना उसको, उसकी भनक किसको होनी चाहिए? लेकिन उसमें भी कुछ लोग जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई सपोर्ट होगा, कोई बैकअप होगा, तब जाकर वो इतने बड़े पैमाने पर वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो किस लेवल पे सपोर्ट हो रहा है, किसकी शह पर, क्या वहां पर भी कोई कमजोरी है जो मैं इशारा कर रहा हूं? जब रियासी में जिस युवक ने मदद की थी, उसने किस लिहाज से मदद की थी, उसे क्या दिया था, आप बताइए क्या मिला था उसे? कुछ मिला था उसे? क्या मिला था? पैसे मिले थे 7,000 के लिए ईमान बेचा, बिल्कुल बिल्कुल, बस वही चीज हो रही है, यही है शीतल, ये समझना होगा, ठीक है, कि पैसों, चंद पैसों के लिए कोई है जो अपना ईमान बेच रहा है, ठीक है, और उस ईमान के बेचने के कारण जो है, ठीक है, ये हादसे इस पर ये हादसे हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए थे, जो डिफेंस से भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी सेवाएं डिफेंस में भी दी हैं काफी सालों तक, और ये बारीकी से गहराई से बता रहे थे कि किस तरह से आतंकवाद यहाँ पर पनप रहा है, एक नई स्ट्रैटेजी आतंकवाद ने तैयार की है, और हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, इन तक नहीं पहुंच मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनका यहाँ पर मददगार बन रहे हैं, और उसी वजह से हमें लगातार इस तरह से हमले देखने को मिल रहे हैं, और आज भी डोडा के अंदर 5 जवानों ने अपनी शहादत प्राप्त की है। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से डोडा डिवीजन में लगातार हमले निकलकर सामने आ रहे हैं, और डोडा हमले को लेकर आप नेता ने भी सवाल उठाए हैं, केंद्र सरकार पर सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा है, ये बड़े अपडेट इस वक्त। केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह से विफल होते हुए नजर आ रही है, ये आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है, सरकार हटाकर केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर ध्यान दें, जम्मू कश्मीर के अंदर ध्यान दें। डोडा हमले को लेकर अब जो पॉलिटिकल नेता हैं, जो सियासी नेता हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। तो सरकार हटाकर केंद्र शासन लगाकर देख लिया है, लेकिन इसमें कोई बदलाव जो है वो नहीं हुआ। डोडा हमले को लेकर ये आम आदमी पार्टी के नेता ने सवाल उठाए हैं, सीधे सीधे केंद्र सरकार को इस पर आड़े हाथों लिया है। सौरभ भारद्वाज ने ये निशाना जो है वो केंद्र सरकार पर साधा है, कश्मीर नीति पूरी तरह से विफल रही है, ये भी कहना है उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर। आज भी आतंकी हमला हुआ, केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह से विफल रही है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है, बीजेपी ने चुनी हुई सरकार में रहकर देख लिया, सरकार हटाकर केंद्र शासन लगाकर देख लिया, मगर हालात नहीं सुधरे, ना कश्मीरी पंडित भाई वापस बसाए गए, ना ही कोई विकास हुआ, यानी चौतरफा हमला। यहां पर सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्सपोस्ट के जरिए सीधे सीधे केंद्र सरकार पर किया है, क्योंकि जब से तीसरी बार इस सरकार ये जो वापस सत्ता में लौटी है, उस दिन से लगातार जम्मू के अंदर, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में हमले हो रहे हैं। कठुआ, रजौरी, पुंछ, सांबा, डोडा, उधमपुर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो
जहां पर कोई ना कोई गतिविधि पिछले कुछ दिनों से निकलकर सामने आ रही है और अब सिचुएशन और हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि राजनीतिक पार्टियों के नेता भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं यहां पर जाहिर कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए ये हमला केंद्र सरकार पर किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कश्मीर की नीति पूरी तरह से विफल रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो सरकार ने 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अपनाई थी। फिर से विनोद कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार एक बार फिर से हमारे साथ वापस ज्वाइन हो चुके हैं। इन पूरे हमलों को लेकर अब जो विपक्ष है वो भी सरकार पर निशाना साध रहा है। कश्मीर नीति पूरी तरह से विफल हो रही है, ये विपक्ष का कहना है। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट भी किया है। हाँ बिल्कुल शीतल, मैं पहले भी थोड़ी देर पहले आपके साथ जुड़ा था इसी खबर को लेकर के जो डोडा में हमला हुआ है, और मैंने कहा था कि मुझे इस वक्त लगता है कि पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके सहयोग करना चाहिए। और इस तरह के स्टेटमेंट अगर सौरभ भारद्वाज की इस तरह के ट्वीट आता है एक साथ है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चिंताजनक है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब आतंकी वारदातें निरंतर बढ़ती जाती हैं तो विपक्ष को एक मौका मिल जाता है। विपक्ष का ये दायित्व रहता है कि अपनी भूमिकाओं को सार्थक तरीके से निभाए। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और उन 5 जवानों की शहादत पर हम ये कहेंगे कि कश्मीर नीति गलत है। जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो कश्मीर को लेकर के अपना रोड मैप बनाया है, रेखांकित किया है जिन चीज़ों को, वो गलत है। मुझे लगता है कि इस वक्त इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, और स्टेटमेंट अगर होनी भी चाहिए तो ये होना चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेज को यूनाइट होकर के इस बढ़ते आतंकवाद को किस तरीके से ग्रिल करना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि उनकी नीतियां गलत हैं, उनके ताल जो दावे थे वो गलत हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट इस समय पर जरूरी नहीं है क्योंकि अभी उन सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है जो सैनिक इन आतंकवादियों से लगातार लड़ रहे हैं, लगातार उनके सामने संघर्ष कर रहे हैं और शहादत भी प्राप्त हो रही है। हालांकि सौरभ भारद्वाज ने एक्सपोस्ट के जरिए ये हमला किया है, उसमें कहीं भी इन 5 जवान जो शहीद हुए हैं उनको लेकर कोई जिक्र नहीं किया है और सेना को लेकर कोई जिक्र नहीं किया है। कश्मीर नीति पर सवाल उठाए हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, अब फिर से बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, और जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी ने यह बयान दिया है, आपको बताना चाहेंगे आतंकवाद पर डीजीपी ने यह बयान दिया है। उन्होंने आतंकवाद को लेकर यह प्रतिक्रिया दी है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जो आतंकवादी हमले यहाँ पर हो रहे हैं उसको लेकर अब डीजीपी लगातार बयान भी जारी कर रहे हैं। अपने बयानों के माध्यम से वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सेना है, जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके मनोबल को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की क्या एक स्ट्रैटेजी रहती है, किस तरह से आगे की स्ट्रैटेजी को जो है वो तैयार किया जाएगा, यहाँ पर क्या एक रणनीति पुलिस और सेना की तरफ से रहेगी और उस रणनीति के आधार पर जम्मू कश्मीर के अंदर या जम्मू संभाग के अंदर, चाहे वो डोडा इलाका हो, उधमपुर हो, लगातार पिछले कुछ दिनों में हमने जो हमले देखे हैं उसको लेकर क्या कदम उठाया जाएगा, आतंकवादियों को कैसे मार गिराया जाएगा। हालांकि चुनौतियां बहुत बहुत हैं, जैसे हमने ब्रेक से पहले अपनी जो दो सहयोगियों से बातचीत की थी उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि चुनौतियां हैं लेकिन उसमें पार पाएंगे। Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the resonant so-called mainstream politics in Delhi, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of failed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal.
while elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to then go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification for the perfidies of the terrorists and the wali. This was despite being an open secret that Jamaat network was not only able to sabotage government efforts to normalize the situation, but also had a terror finance network that played a big role in mobilizing street protests. It was. अब यूपी का रुख करेंगे। यूपी में किसानों को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। यूपी सरकार का किसानों को लेकर ये बड़ा फैसला, योगी सरकार किसानों की आय में वृद्धि करेगी, यानी उनकी आय बढ़ोतरी होगी। कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय में वृद्धि होने वाली है। पहले चरण में 6 मंडलों के किसान लाभान्वित होने वाले हैं और उसके बाद दूसरे चरण में और जो वहां पर किसान हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा। यूपी सरकार का ये किसानों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए, उन तक कैसे फायदे पहुंचाए जाए, उसको लेकर सरकार काम कर रही है। तो उनकी आय में वृद्धि होने वाली है। कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय में जो है वो वृद्धि होने वाले हैं। पहले चरण में 6 मंडलों के किसान इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। तो यूपी सरकार ने ये बड़ा कदम जो है वो उठाया है। तो आपको बता दें 2024-26 के मध्य में 25,140 किसानों को 202 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। ये भी इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। योगी सरकार एक तरफ जहां 20 जुलाई को 36.50 करोड़ पौधरोपण पर रिकॉर्ड बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर हो गई है, दूसरी तरफ कार्बन फाइनेंस के जरिए पौधरोपण करने वाले कृषकों की आय में भी वृद्धि की गई है। उमेश मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। उमेश, किसानों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, क्या क्या चीजें हैं इस फैसले में? देखिए शीतल, कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से फलीभूत होने जा रही है। और जिस तरह से किसानों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ ने कहा है, कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं इसको लेकर 6 मंडलों में इसकी शुरुआत होगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं पौधारोपण करके किसान एक अपनी वृद्धि को बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से पर्यावरण को लेकर हम आप सब चिंतित रहते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम देखा जा रहा है शीतल, और कहीं ना कहीं इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। किसान तमाम जो पौधे हैं रोपण करेंगे और उसके जरिए सरकार उनकी वृद्धि दुगनी करेगी, आय में वृद्धि होगी। तो ये बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का, कहीं ना कहीं और पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा है। बिल्कुल उमेश, देखिए जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी तो उस वक्त भी उन्होंने सबसे पहले किसानों के हित में कदम उठाया था, और अब यहाँ पर योगी सरकार भी किसानों की तरफ जो है वो कदम उठाते हुए नजर आ रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो किसानों का रोष भी सरकारों के प्रति देखने को मिल रहा था। क्या वो एक कहीं ना कहीं एक कारण है कि अब सरकार किसानों की तरफ ज़्यादा अपना जो दिलचस्पी है या जो अपने कदम है वो यहाँ पर उठाती रही है? देखिए शीतल, आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए तो किसानों की बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन उनकी आय वृद्धि कैसे बढ़े इसको लेकर सिर्फ बातें ही होती हैं, लेकिन अमली जामा कोई भी सरकार पूरी तरह से नहीं पहना पाती। क्योंकि किसान का दर्द जो है लगातार अब की बार देखा गया कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लिए तो उसके जी उमेश, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, उमेश का संपर्क यहाँ पर कट चुका है। फिलहाल उमेश जानकारी दे रहे थे कि सरकार लगातार किसानों को लेकर जो है वो प्रतिबद्ध है और उनको लेकर कदम भी उठा रही है। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव संबोधन कर रहे हैं। प्रकृति से है, हमारी वृक्षों से है, और अगर वृक्ष नहीं होंगे, अभी उमेश शर्मा काऊ जी जब बोल रहे थे तो आप लोगों ने सुना होगा, वो कह रहे थे कि पहले देहरादून में किस प्रकार का पर्यावरण होता था, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता था, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती थी तो तत्काल वर्षा हो जाती थी। पहले इस प्रकार का होता था और आप देख रहे होंगे 44 डिग्री और 45 डिग्री तापमान देहरादून का हो गया है।
अनेक स्थानों पर 50 डिग्री 52 डिग्री 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है और इन सब के लिए प्रकृति के संरक्षण के लिए, समन्वय के लिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि हम सब वृक्षों को लगाएं। वेदों और पुराणों में हमारे वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल को भी पुण्य कार्य के रूप में बताया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही अपनी परंपराओं के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को लेकर प्रतिबद्धता रही है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि और प्रकृति का प्रदेश कहा जाता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ ही प्रकृति की जो हमारी अनुपम छटा है, शुद्ध वातावरण हमारे प्रदेश की एक विशेष पहचान है कि अगर देवभूमि के बारे में कहीं चर्चा होती है तो निश्चित रूप से सबके मन में ये प्रकृति का जो हमारे यहाँ पर एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य को देन है वो सबके विचार में आती है कि देवभूमि उत्तराखंड का जैसे ही नाम आता है तो सबके मन में विचार आता है वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवताओं से आच्छादित है और पूरा का पूरा एक शुद्ध परिवेश, शुद्ध पर्यावरणों से आच्छादित अगर कोई राज्य है तो राज्य हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड है। हमारे यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों से लोग आध्यात्मिक, धार्मिक और शुद्ध वातावरण में स्वयं की खोज के लिए यहाँ लोग आते हैं। माँ गंगा यमुना की गोद में बसे हमारे प्रदेश को प्रकृति का परम आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन आज कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए हैं। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान किसी न किसी रूप में दें, एकजुट होकर हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें। आइए आज हरेला पर्व के इस पावन अवसर पर हम सब लोग आज यहाँ से एक प्रण लें कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित कर भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देने हेतु हर संभव वो काम करेंगे जो मेरे लिए नैतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जरूरी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा इस बार हरेला की थीम पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली, ये थीम रखी गई है। मैं इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि अपने घर, खेत या अपनी खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण कर अपने आसपास हरियाली लाने का काम अवश्य करें। इस काम से न केवल पर्यावरण की रखवाली होगी बल्कि समृद्धि और खुशहाली भी होगी। हमारी सरकार ने हरेला पर्व के अवसर पर बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे रोपित करने का संकल्प लिया है। कुछ जिलों में जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वन विभाग ने विशेष पहल करते हुए इस बार हर परिवार को दो दो फलदार वृक्ष भी वितरित किए गए हैं। मैं ऐसे परिवार जिनको ये पौधे प्राप्त हुए हैं विशेष स्तर पर उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप उन पौधों को रोपने के साथ ही उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी रक्षा भी करें ताकि कोई भी पौधा जिसको आपने रोपण किया है वो किसी भी स्थिति में सूखे ना, बल्कि उसका संवर्धन हो, उसका संरक्षण हो और आने वाले समय में वो हमको फल और शुद्ध वायु देने का काम करे। हरेला के अवसर पर मैं
सभी विद्यालयों, कॉलेजों, जनप्रतिनिधियों, निकायों तथा सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने परिसर में अधिक से अधिक पौधों का रोपण सुनिश्चित करें। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य किए गए हैं, अनेक कार्य शुरू किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त देहरादून से लाइव थे, जो संबोधन कर रहे थे अपनी सरकार के जो उपलब्धियां हैं या सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर भी इस वक्त पुष्कर सिंह धामी मीडिया में संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अब बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा को लेकर जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महेंद्रगढ़ में बीजेपी का ओबीसी सम्मेलन आज होना है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें संबोधित करने वाले हैं। हरियाणा पर बीजेपी की पूरी नजर बनी हुई है, मुख्यमंत्री डायब सिंह सैनी और बड़े बड़े जो नेता है वो भी इस सम्मेलन में वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, वो भी इसमें पहुंचने वाले हैं। हरियाणा में ये महेंद्रगढ़ में बीजेपी का ओबीसी सम्मेलन होगा, जिसमें मुख्यतः जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो पहुंचेंगे, वो मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे और वहां पर जनता को भी संबोधित करने वाले हैं। तो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने कमर कस ली है, अब अलग अलग वर्गों को कैसे साधना है, अपनी तरफ कैसे उन्हें मोड़ना है, उसको लेकर तरह तरह के कदम सरकार की तरफ से यहां पर उठाए जा रहे हैं। सरकार चाहे हरियाणा सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार से गृह मंत्री अमित शाह आज इस सम्मेलन में पहुंचेंगे, क्योंकि ये ओबीसी सम्मेलन आज होना है महेंद्रगढ़ में, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संबोधित करने वाले हैं। संदीप गोयल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, अभी की क्या जानकारी है और कब तक ये सम्मेलन जो है ये शुरू होना है और कितना महत्वपूर्ण है ये बीजेपी के दृष्टिकोण से? देखिए, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा जो है इसको मानकर चला जा रहा है और कहा जा रहा है कि ओबीसी वर्ग को जो है साधने का प्रयास किया जाएगा और आज जो महेंद्रगढ़ में कार्यक्रम है उससे लगते हुए जो जिले हैं उन पर जो है सीधे तौर पर जो ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नेता हैं या फिर कहें कि जो वोटर हैं उनको साधने का प्रयास किया जाएगा और करीब 7 जिलों से जुड़ी हुई 21 विधानसभा सीटें यहाँ पर जो है इन क्षेत्रों में आती हैं और जिनमें सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग की जो संख्या है वो ज्यादा है। ऐसे में राव इंद्रजीत कुछ दिनों से जो है नारा चल रहे थे, उनको मनाने से लेकर उनके जो समर्थक हैं उनको मनाने, इन तमाम चीजों का जिक्र जो है इस रैली के माध्यम से किया जाएगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि हरियाणा में 21 दिनों में दूसरी बार अमित शाह जो है दौरा कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ हरियाणा में जो है जोर लगा रही है, क्योंकि एक मैसेज देने का काम किया जाएगा कि जो सीटें बीजेपी के खाते में अभी तक मौजूद थी वो प्लस में 10 सीटें और जहां पर कुछ वोटों से बीजेपी हारी थी उनको जो है साध कर बीजेपी चलना चाहती है और ज्यादा जहां पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है उनको और ज्यादा मजबूत करके रखना चाहती है। तो यानी कि जो बात कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला था उसको कैसे जो है मुकाबले को कम किया जा सके, कैसे बीजेपी के पक्ष में लहर दोबारा से तैयार हरियाणा में की जा सके, इसको लेकर लगातार अब बड़ी जो नेता हैं वो हरियाणा पहुंच रहे हैं और जिसमें खुद अमित शाह आज जो है महेंद्रगढ़ पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में जो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल संदीप, अगर हम लोकसभा को आधार बनाएं, लोकसभा के आधार पर बात करें तो 50-50 मुकाबला है, 5-5 सीटों दोनों को मिली है, क्या उसी दिशा में ये आगे भी ऐसे जो समीकरण है वो चलते हुए नजर आएंगे या यहाँ पर कोई बदलाव होगा विधानसभा चुनाव में? हालांकि नीतियाँ अलग होती हैं, मुद्दे अलग होते हैं प्रदेश स्तर पर, तो क्या स्थिति बदलेगी या फिर 10 साल से लगातार जो बीजेपी सत्ता में है वो अपनी नीतियों के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव अलग अलग विचारों पर होता है, अलग अलग मुद्दों पर होता है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से दोनों पार्टियों की कड़ा मुकाबला जो लोकसभा में देखने को मिला, 5 सीटें बीजेपी तो 5 कांग्रेस के खाते में आई, लेकिन विधानसभा में भी इसी तरह की स्थिति ना बने ऐसी जो है दोनों पार्टियां मजबूती के साथ मैदान में उतर चुकी है। हमने कल देखा कैसे कांग्रेस का हिसाब मांगे हरियाणा जो कैंपेन जो है शुरू किया गया है और ऐसे में अब बीजेपी की तमाम रैलियां अलग अलग की जा रही है,
खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद अब जो है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ऐसे योजनाएं जो है लेकर बीजेपी आ रही है ताकि जनता से सीधा कनेक्ट किया जा सके और वादों को जो है पूरा किया जा सके, नई नई घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ऐसे में बड़े लीडरों का हरियाणा में पहुंचना ये कहा जा सकता है कि मुकाबला जो है और कठोर होता जा रहा है, टाइट हो जाता है। ऐसे में स्थिति वही बनती हुई नजर आ रही है कि जो लोकसभा में बनी है क्या 50-50 का मार्जिन बन पाएगा, या कहें कि दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। चुनौती दोनों पार्टियों के आमने सामने की होने वाली है और कांटे की टक्कर जो है हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल संदीप, आज का जो सम्मेलन है, केंद्रीय गृह मंत्री इस सम्मेलन में पहुंचेंगे, खासतौर पर ओबीसी से जुड़ा ये सम्मेलन है, तो क्या कोई बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस सम्मेलन में किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से पिछले लोकसभा के चुनाव देखे जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो बीजेपी के लिए काफी भारी नजर आया, तो क्या वहां से सबक लेते हुए अब बीजेपी उस दिशा में काम कर रही है हरियाणा के अंदर? बिल्कुल, देखिए ये माना जा सकता है और इसी समीकरण को बैठाने, इसी को साधने का प्रयास जो है किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी वर्ग जो है पिछड़ा वर्ग हो उसको साधने का प्रयास होगा। और देखिए मुख्यमंत्री का जो चेहरा बदला था उसके बाद जो सैनी समाज है उसको साधने का प्रयास इस चुनाव में किया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समाज से आते हैं, तो उनको भी जो है केंद्रीय मंत्री जो है केंद्र में शामिल किया गया है। तो यानी कि कह सकते हैं कि धीरे धीरे तमाम जो जातीय समीकरण बैठाने का काम पार्टी करेगी और इसी का फायदा उठाने का काम भी जो है चुनावों में हो सकता है। यानी कि किसी भी पार्टी वर्ग को, किसी भी समाज को छोड़ना नहीं चाहती है पार्टी, और उसी आधार पर कह सकते हैं कि धीरे धीरे इन तमाम लोगों को साधने का, इस समाज को साधने का प्रयास जो है शुरू किया जा रहा है। और ऐसे में जो खुद अमित शाह पहुंचेंगे तो समझ सकते हैं कि क्या मैसेज देने का काम किया जाएगा। दूसरी बात एक और निकल कर सामने आ रही है कि अगर इस जो रैली होगी इसमें जो सरकार जो जो अब तक जो जो है इस समाज के लिए काम किया था, जो योजनाएं बनाई गई थी उनका जिक्र किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि सरकार देखिए आपके समाज को कितना आगे लेकर जाना चाहती है, क्या क्या आज तक योजनाएं जो लेकर आई है और कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जो आपको आगे लाने में काम करेंगी, तो तमाम चीजों का जिक्र जो है साधने का काम इस सभा में किया जाना है। बिल्कुल संदीप, चेहरा भी एक मुख्य भूमिका निभा सकता है बीजेपी के लिए, खासतौर पर हरियाणा में, तो क्या चेहरे पर भी विचार विमर्श होगा या फिर उसी चेहरे के साथ आगे बढ़ा जाएगा? देखिए अभी फिलहाल जो कुछ दिनों पहले जो बातें निकल कर सामने आ रही थी और यही कहा जा रहा था कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को बदला गया, लेकिन अब नायब सिंह सैनी क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार फिर से हो सकते हैं बीजेपी के, या कहें कि इसी चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जाएगा? तो यकीनन अभी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही बीजेपी जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि एक अच्छी एक साफ छवि के नेता हैं नायब सिंह सैनी और पहले बड़े कई जो है पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में उन्हीं के चेहरे पर जो है इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बीजेपी पार्टी कब क्या फैसला लेती है ये उसी दौरान जो है समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन अभी की स्थिति यही है कि नायब सिंह सैनी के नाम पर ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और वही मुख्य चेहरा हो सकते हैं। लेकिन हालांकि बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मुख्य चेहरा बनाकर ही चुनाव मैदान में होती है। अमित शाह की रैलियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े चेहरे जो है हरियाणा में पहुंचने लगे, क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसे में कैसे सारी समीकरण बैठाने होंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे, ये एक पूरी तैयारी जो है बीजेपी की ओर से तैयार की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप ये तमाम अपडेट के लिए। और फिलहाल थोड़ी देर में वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधन भी करेंगे और कोई नई घोषणा, कोई नए ऐलान भी यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बिहार की बात करें तो वहाँ पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। पूर्व मंत्री के दरभंगा वाले घर में छत विक्षत शव मिला है। धारदार हथियार से मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें हत्या की जांच के लिए फिलहाल एसआईटी का गठन भी वहां पर कर दिया गया है। इस मामले को जांच करने के लिए बिहार में जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी है, ये उनके पिता की हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है, सियासी वार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं, सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से एक जो सुप्रीमो है, एक पार्टी का जो प्रमुख है, उसके पिता को इस तरह से हत्या को जो है वो अंजाम दिया गया है। धारदार हथियारों से वहाँ पर हत्या को जो है वो अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल एसआईटी का गठन कर लिया है वहाँ पर, और ये एसआईटी अब जो बनाई गई है ये जांच करेगी
कि इस हमले को किसने अंजाम दिया है, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, किसकी वहां पर जो हत्या के पीछे ये लोग हैं, ये कहां से आए हैं, इन्हें किन लोगों ने इन्हें वहां पर भेजा है। कुछ मामले अलग अलग हैं, बातें अलग अलग निकल कर सामने आ रही हैं, पहलू अलग अलग निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि जब SIT इस पूरे मामले को जाँच करेगी, इसको अंदर पूरी जो पड़ताल होगी, उस पड़ताल के बाद क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले BJP के लोग और NDA के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है। अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, अभी तक क्या ये पूरे अपडेट है जरा बताइएगा, और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है, नेता भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर शीतल, देखिए जीतन सहनी जो है वो मुकेश सहनी के पिता हुए, जिनकी हत्या बीते रात चाकू से गोद गोद कर दी गई है। दरअसल ये घटना बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल अंतर्गत सुपौल थाना क्षेत्र पड़ता है। तो वहीं मुकेश सहनी के पिताजी रहते थे और एक सामान्य जीवन यापन करते थे। तो काफी विभत्स घटना है, जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, चाकू से गोद तोड़कर पेट के अंदर का सारा जो सामान वो सारा पेट से बाहर निकलकर सामने रखा गया है। तो दृश्य को देखना सामान्य लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो बहरहाल देखिए, घटना को लेकर जो IPS अधिकारी काम्या मिश्रा है उनके नेतृत्व में SIT गठन किया गया है, साथ ही FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जो है तफ्तीश में जुट गई है। तो देखिए, कई तरह से जो है मामले को लेकर तो अनुसंधान का कार्यक्रम अब शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, तो घटना आखिर क्यों हुई, इस पर लोगों को जो है जानकारी के प्रति लोग काफी आशान्वित था कि आखिर घटना हुआ क्यों। जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी रहते थे तो साधारण और समाज जीवन यापन करते थे, और 70 वर्ष की उम्र में अगर किसी की चाकू से गोद कर हत्या की जाए इस तरह से, तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, या किसी भी दृष्टिकोण से हो, तो तमाम चौतरफा लोगों में आक्रोश, घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अमित हमारे साथ बिहार से जानकारी दे रहे थे कि अभी सवाल उठना लाजमी है, किसी भी दृष्टिकोण से सवाल उठ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां भी तेज़ हो गई हैं और SIT का गठन भी इस हत्या को लेकर जो है वो किया गया है। अब SIT जांच करेगी और जांच पड़ताल के बाद ये चीज़ें साफ होंगी कि आखिर ये हत्या किस मंशा के साथ हुई थी, इस हत्या के पीछे क्या मंशा है, किन लोगों ने इस हत्या का जाल बुना है और अंजाम जो है वो हत्या को दिया गया है। आज के लिए न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।